किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं। अंतरिक्ष उड़ान के संदर्भ में उपग्रह एक वस्तु है जिसे मानव प्रयास के द्वारा कक्षा में रखा गया है। इस तरह की वस्तुओं को प्राकृतिक उपग्रहों जैसे चंद्रमा से अलग करने के लिए कभी कभी कृत्रिम उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को शुरू किया गया था। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 शुरू किया गया था और लाइका नाम का एक कुत्ता प्रथम जीवित यात्री के रूप में कक्षा में गया था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह है जो इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। भारत ने अपना पहला उपग्रह 1975 में आर्यभट्ट नाम से लॉन्च किया था। रोहिणी भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी उपग्रह है जो 1980 में लॉन्च हुआ था। 2017 में भारत ने एक साथ 104 उपग्रह को छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रह की चाल समान होती है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किलर उपग्रह दुश्मन हथियार आदि की खोज निकालता है। खगोलीय उपग्रह दूर के ग्रहों, आकाशगंगाओं तथा बाहरी पिंडों के लिए होते हैं। जैविक उपग्रह आमतौर पर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जीवित अवयव ले जाता है। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में दूर संचार के लिए स्थापित किए जाते हैं। छोटे उपग्रह असामान्य रूप से कम वजन और छोटे आकार के होते हैं। नेविगेशन उपग्रह वो हैं जो रेडियो के संचरित संकेतों का प्रयोग कर रहे लोगों के लिए होते हैं। आवीक्षण उपग्रह सैन्य या खुफिया कार्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो उपग्रह हैं जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण और निगरानी, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने आदि का उपयोग करता है। अंतरिक्ष स्टेशन मानव द्वारा डिजाइन की गई संरचना है जो बाहरी अंतरिक्ष में और उसके बाहर रहने वाले मानव के लिए है। तिथर उपग्रह वे उपग्रह हैं जो एक और उपग्रह से एक पतले तार से जुड़े हुए हैं जिसे तिथर कहते हैं। मौसम उपग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और जलवायु के लिए उपयोग होता है। तो ये थी उपग्रह से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।